तो दोस्तों ये जो इनकम टैक्स का वेबसाइट है आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर लिख के सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। याद रखें कि आपको पैन कार्ड अगर फ्री में बनाना है तो इसी वेबसाइट पे आके आपको 5 मिनट के अंदर अपना पैन कार्ड बना के डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए जहाँ से पैन कार्ड हमें बनाना है उस वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा वेरीफाई लिंक आधार कार्ड पे इनकम टैक्स, आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना है, बहुत सारा ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे नीचे है यहाँ पे इस सेंड ई पैन कार्ड, यहाँ इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको आधार नंबर डाल के वेरीफाई करना, तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट न्यू पैन कार्ड, यहाँ पे चेक स्टेटस, डाउनलोड पैन कार्ड। अगर आपने पैन कार्ड पहले यहाँ से इनकम टैक्स वेबसाइट से बना रखे तो आप कभी भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नया अप्लाई करना है तो गेट न्यू ई पैन कार्ड पे आपको क्लिक करना होगा, तो आप एक पैन कार्ड नया बना पाएंगे। तो चलिए हमें तो नया पैन कार्ड बनाना है, वो भी 5 मिनट के अंदर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको इसके आगे दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें 12 अंक का आधार नंबर यहाँ पे अपडेट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरव्यू 12 डेबिट आधार नंबर, तो आपको यहाँ पे 12 अंक का डेबिट नंबर अपना आधार नंबर, और यहाँ नीचे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, जो क्वेश्चन मार्क पे आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जैसे कि आपका जन्म तिथि जो है, जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, वही सब चीज़ यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है, आपको ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड से जो भी जानकारी है आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, और यहाँ थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आना है। तो इस तरह से आप चाहे यहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं। आधार कार्ड की पूरी जानकारी दी गई, इस पैन कार्ड की जानकारी पूरी दी गई है, यहाँ पर क्लिक करके और नीचे बहुत सारी जानकारी है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पे एक SMS पहुँच चुका है जहाँ पे 13 मिनट का टाइम दिया गया है, यहाँ पे उस OTP डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी आइकन पे टिक लगाना था, आप लगा सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे जो आपका आधार का सारा डिटेल है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपके आधार में मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है, आपका जन्म तिथि, आपका फ़ोटो, यहाँ पे आप चाहे तो एक ईमेल भी यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देना। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो लिंक कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन का मार्क है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है कि आप ईमेल आईडी नहीं दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अगर ईमेल आईडी जोड़ते हैं तो साइड में क्लिक कर सकते हैं, तो हमें यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है क्योंकि हम ईमेल आईडी नहीं इसमें जोड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका पैन कार्ड यहाँ पे बन चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, आपको रिप्लेस नंबर भी मिल चुका है, तो आप इस नंबर को लिख के चेक कर सकते हैं कभी भी। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ता रहेगा कि मेरा पैन कार्ड बन चुका है कि नहीं बन चुका है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद इस पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है अभी आपको 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा इस पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो चलिए 10 मिनट रुकते हैं, उसके बाद इस पैन कार्ड को डाउनलोड करते हैं, फिर से होम पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, तो फिर से हमें बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से हमें कंटिन्यू आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे 6 अंक का कोड पहुँच चुका है, उस कोड को यहाँ पर डाल के कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका पैन कार्ड सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड देख भी सकते हैं और डाउनलोड कर भी सकते हैं। यहाँ पे अपना क्या करना है, हमें पैन कार्ड देखना भी और डाउनलोड करके रख भी लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो अपना यहाँ पे आप पैन कार्ड देख पाएंगे, और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करके अपने गैलरी में इसको रख सकते हैं। अगर इस पैन कार्ड को अगर आपको मंगाना है तो उसके लिए दूसरी वेबसाइट पर जाके
ऑनलाइन, उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को लिंक दे दूंगा जहाँ से इस पैन कार्ड को आप घर पे मंगा सकते हैं। मगर आपको ज़रूरत है इस पैन कार्ड को, अर्जेंट है, तो इसको डाउनलोड करके बैंक में या कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ है, आपके आधार कार्ड से लिंक है, आप चाहे तो इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इस पैन कार्ड को कैसे मंगाना है, इसके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ। वहाँ पर थोड़े बहुत पैसे भी लगेंगे जो आपको ऑनलाइन देने होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैन कार्ड डाउनलोड कर भी सकते हैं और पैन कार्ड रख भी सकते हैं। अगर आपको कहीं यूज करना है तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप इस वेबसाइट पर आके 5 मिनट के अंदर अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर पैन कार्ड डाउनलोड करके रख लेता हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।